30 अक्टूबर सन 1902 इस दिन भाई वीर सिंह ने चीफ खालसा दीवान की स्थापना की। चीफ खालसा दीवान समुचे पंजाब विच फैलियां सिंह सभावां दी एक केंद्रीय संस्था है, जिसका मुढ़ला उद्देश सिखां दी अध्यात्मक, बौद्धिक, समाजिक, विद्यक ते आर्थिक भलाई नूं प्रोत्साहित करना ते सरकार नूं सिखां दीआं दरपेश समस्यावां ते उहनां दीआं लोड़ां बारे सुचेत करके सिखां दे राजनीतिक हक्कां दी राखी करना है। अज दे ही दिन सन 1922 नूं गुरद्वारा पंजा साहिब विखे रेल पटरी उत्ते लेट के रेल नूं रोकदिआं कई सिंघ शहीदी प्राप्त कर गए। इस रेल विच अमृतसर तो उहनां सिंघां नूं गिरफ्तार करके लिजाया जा रहा सी जो गुरु के बाग मोर्चे विच गिरफ्तार किए गए सन। यह सिंह कई दिनों तो भुखे सन, जिस कारण पंजा साहिब विखे संगतां ने इन्हां लई लंगर का प्रबंध किया सी, पर सरकार ने रेल रोकण की इजाजत नहीं दिती, जिस कारण सिंघां ने रेल पटरी उत्ते लम्मे पै के रेल नूं रोकिया ते लंगर छकाया। इसे ही दिन सन 1928 नूं साइमन कमीशन लाहौर पहुंचिया, जिथे उस नूं कालियां झंडियां दिखा के साइमन कमीशन गो बैक दे नारे लाए गए। इस विद्रोह की अगवाई लाला लाजपत राय ने की। इसे विद्रोह दौरान ही पुलिस वालों किए लाठी चार्ज कारण लाला लाजपत राय काफ़ी जख्मी हो गए ते कुछ कु दिनों बाद ही उन्हां दी मौत हो गई। 30 अक्टूबर सन 1972 इस दिन संत फतेह सिंह का देहांत हो गया। संत फतेह सिंह पंजाबी सूबा मोर्चे के सरगर्म अकाली आगू सन, जिन्हां ने मोर्चिया दौरान कई बार भुख हड़तालां भी कीतियां। सिख कौम दे लई कीते संघर्ष सदका ही उन्हां नूं संत दी उपाधि दित्ती गई।